देवी अपनी दोनों बेटियों से कितनी क्लोज थी इस बात का सभी को अंदाजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवी कपूर की एक ऐसी जिद थी जिससे श्रीदेवी चिढ़ जाती थी, एक ऐसी जिद जिससे श्रीदेवी को नफरत थी। जानवी कपूर की ये जिद थी अपनी ही माँ की तरह बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा बनना, बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा बनना। लेकिन श्रीदेवी को ये बात मंजूर नहीं थी। श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां बॉलीवुड में एंटर करें। इनफैक्ट उन्होंने अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए कुछ और ही प्लानिंग की थी। श्रीदेवी चाहती थी कि उनकी बेटी जानवी कपूर एक डॉक्टर बने, लेकिन हर बार जानवी कपूर सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस बनने की जिद पालती थी। पर श्रीदेवी का डर अपने बच्चों पर इतना था कि जानवी कभी भी इस बात को अपनी मम्मी के सामने जाहिर नहीं करते थे। हुआ यूं कि एक दिन श्रीदेवी के घर कुछ मेहमान आ गए। श्रीदेवी ने अपनी दोनों ही बेटियों को समझा कर रखा था कि उन्हें मेहमानों के सामने कैसी बात करनी है और कैसे बिहेव करना है। लेकिन जब मेहमानों ने जानवी कपूर से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं, तो छोटी सी जानवी ने झट से कह दिया कि उन्हें अपनी माँ की तरह एक्ट्रेस बनना है। अब इस बात से श्रीदेवी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मेहमानों के सामने उन्होंने अपना गुस्सा दबा दिया। कुछ देर बाद जानवी कपूर ने इस मामले को सुलझा दिया। उन्होंने अपनी माँ से माफी मांगी और फिर श्रीदेवी मुस्कुराने लगी। अब बहुत ही जल्द जानवी कपूर का ये सपना पूरा भी होने वाला है। वो बहुत ही जल्द बॉलीवुड में फिल्म धड़क से अपना डेब्यू करने वाली है। काश कि श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी का इतना बड़ा सपना पूरा होते देख पाती।